नमस्कार, वेलकम इन द क्लासेस ऑफ स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आज हम लेसन पहला जो संबंधित है इंटे, मनके तथा अस्थियां शुरू करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और रहेंगे भी। अपना ख्याल रखिए और शुरू करते हैं लेसन नंबर एक। सबसे पहले इस अध्याय को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इतिहास सब्जेक्ट रखा है उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस इतिहास को पढ़ने का महत्व क्या है। इतिहास शब्द कहाँ से आया? तो हिस्ट्री, ये जो शब्द है यूनानी, जो ग्रीक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इस भाषा का एक शब्द था जिसका हिस्टोरिया, HISTORIA, यहाँ से हिस्ट्री जो है वो निकला है, जिसका मतलब होता था छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त होती थी उसे ही ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया और कई जगह हिस्ट्रिया भी कहा गया है, कहा जाता था। तो इस प्रकार से हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले हेरोडोटस की एक जो है मूर्ति है, ये यूनानी व्यक्ति थे। इन्होंने हिस्ट्रिया नामक पुस्तक जो है वो लिखी, हिस्ट्रिया नामक पुस्तक, सर्वप्रथम अगर हिस्ट्री की किताब की बात करते हैं तो वो थी हेरोडोटस द्वारा लिखी गई किताब हिस्टोरिका, याद रखना हिस्टोरिका। और इसीलिए ही हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जानना। अब आता है कि इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है। बहुत सारे बोलते हैं भाई केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, इतिहास को क्यों छोड़े भाई, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले कि इतिहास हमें हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। याद रखना अपना वर्तमान और भूतकाल, ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी हमने भूलें करी है पीछे, उनसे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो भूले नहीं करते हैं और इस प्रकार से उपलब्धियां जो हासिल करते हैं। तो जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो सारे किसके वजह से हुए? उस इतिहास की वजह से हुए हैं। पीछे का जो चीज़ें थी उनकी भूलों को सुधारा गया और हम आगे बढ़े। इसलिए हम ये कहते हैं कि इतिहास आपको प्रोग्रेसिव बनाता है, हमें आने वाले ज़िंदगी को सही तरह से जीना जो है वो सिखाता है, वो इतिहास ही सिखाता है। तो संक्षेप में, अगर इतिहास की सहायता से हम कहीं ना कहीं यह जानने में सक्षम होते हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, हम उनसे क्या सीखे हैं, क्या सीख हासिल करनी चाहिए और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये हमें इतिहास ही सिखाता है। तो हमारा जो भविष्य है वो किस पर निर्भर करता है? इतिहास पर ही निर्भर करता है। जिसने अपने इतिहास को भूल दिया वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आ करते हैं सब्जेक्ट से संबंधित, ये जो सब्जेक्ट है प्रथम नगरों की कहानी, हमारा पहला लेसन है प्रथम नगरों की कहानी। मुख्य बातें क्या है कि विश्व में प्रसिद्ध सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण जानकारी हम इस अध्याय में देने वाले हैं और प्रारंभ से लेकर अंत तक किसी भी तरह की चीज़ को हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं वह विभिन्न नाम। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है उसको तीन नामों से जाना जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो दो नंबर के पूछे जाते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार है, कहाँ तक ये फैला हुआ था, तो हम तीन नाम की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला नाम हड़प्पा सभ्यता। इसे क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से? सर्वप्रथम जो खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था, 1921 में इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहा जाता है। क्लियर है? प्रथम खोजा गया नगर। फिर दूसरा, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम खोजे गए अधिकतर जो नगर थे वो सिंधु नदी के आसपास, ये सिंधु नदी है बताने के, ये सिंधु नदी है, ये निकलती है मानसरोवर के आसपास से निकलती है और इस प्रकार से ये पाकिस्तान में जाकर, इसमें बहुत सारी हिमाचल की जो चार पाँच नदियाँ जो है वो सारी की सारी नदियाँ जो है कहाँ चले जाती हैं, इसी में जाकर गिरती हैं, यमुना को छोड़ के। यमुना जो है गंगा में चले जाती है, बाकी सारी नदियाँ जो है वो इसी की ही इंडस नदी के सहायक नदियाँ हैं। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अधिकतर जो पहले प्रथम जो नगर खोजे गए थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही मिले हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद तीसरा नाम जो कहा जाता है वो है कांस्य युग सभ्यता। कांस्य जो धातु का नाम है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को जो है वो कांस्य धातु का पता था, वो कांस्य के औजार बनाते थे, कांस्य की वस्तु को बनाते थे और अधिकतर चीज़ों को उस धातु से बनाया निर्मित किया जाता था, उन्हें लोहे का कतई ज्ञान नहीं था, तो इसलिए भी इसे कहा जाता है कांस्य युग सभ्यता। तो ये दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको आ सकता है, कोई एक पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कांस्य के बने हुए उस समय के औजार हैं। अब बढ़ते हैं आगे, वह है हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो किस तरह से बांटा गया है। देखिए हम बात करते हैं जो वो समय जब जो है उसे बहुत सारी चीज़ों का जो ज्ञान था केवल उसे, वैसे तो ईसा पूर्व से 5000 वर्ष पहले का भी जो है वो जो खुदाई में मिले हैं तो हम लगा सकते हैं कि अनुमान, लेकिन हमने जो अनुमानित है जो सही तौर पर वो कहते हैं 3500 से लेकर जो 1200 ईस्वी का जो समय है उसे तीन भागों में उसके विकास चरणों के हिसाब से डिवाइड किया। पहला था प्रारंभिक चरण, 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व का जो समय है उसे प्रारंभिक चरण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। देखिए
क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारंभिक जो खाद्य उत्पादक युग था, खाद्य उत्पादक हुआ जब आदमी ने जो है खाद्य की जो चीजें थी उनका उत्पादन करना सीखा, ठीक है, उत्पादन करना सीखा, एक ही जगह पर कृषि करना सीखा, उसे कहा जाता है खाद्य उत्पादक युग। क्षत्रियकरण युग मतलब अपने अपने क्षेत्रों में लोग रहने लगे थे। अब पहले क्या होता था कि किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आ रहे हैं, घुमक्कड़ हैं, इधर से उधर, किसी के ऊपर अपना जो है अधिकार नहीं है। तो अब क्या हो गया, अब कृषि करने लगे तो जो क्षेत्र थे उनके ऊपर जो है वो अधिकार करना शुरू हो गया। तो ये प्रारंभिक समय था, वो समय था जब नवपाषाण युग, जब जो है वो पाषाण होता है पत्थर, पत्थर के जो औजार थे वो, और जो ताम्र था अभी नया नया जो है वो, उन्हें नए धातु का ज्ञान हुआ था तांबे का। तो इस प्रकार से प्रारंभिक समय था, आरंभिक कांस्य युग था, ये सारा जो समय था उसे कहा जाता है प्रारंभिक चरण 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व, ठीक है, क्लियर। दूसरा जो आता है वह विकसित चरण। अब क्या हुआ, थोड़ा सा उसे जो धातु थी, जो तांबा था, क्योंकि पत्थर से अधिक अच्छी तरह से जो है उसे ढाला जाता है, पत्थर था वो किसी भी तरह से टूटा टूट जाता था, उसे किसी खास तरह से उसे जो दिशा थी, या हम ये कह सकते हैं उसको जैसे धातु है उसको कूट कूट के उसका जो है वो उसको एक शेप दी जाती है, पत्थरों को शेप नहीं दी जा सकती है, ठीक है, उसको घड़ा जा सकता है लेकिन उसको कूट कर शेप नहीं दी जा सकती। तो जो ताम्र था, जो तांबा था, उसे शेप करना, जिस प्रकार से हमने पीछे देखा कि उसका जो है धनुष बनाया, कुछ और चीज़ें भाला बनाया है, तो इस तरह से जो विकसित चरण था अब तांबे का, वो मध्य काल जो था उसे दिया गया 26 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का समय। फिर अंतिम समय में जब उसे पूरी तरह से जो है वो कांस्य युग हमें कह सकते हैं कि पूरी तरह से कांसे की चीज़ों का ही इस्तेमाल होने लगा था, तो वो है 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो माना जाता है। उसके बाद का जो समय है उसके बारे में जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब क्योंकि इस सभ्यता का विनाश हो जाता है, फिर कोई पता नहीं चलता है कि इस सभ्यता के ये कहां गए लोग, कैसे खत्म हो गई, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। तो ये कालक्रम था। फिर आ जाता है प्रमुख नगर, जो स्थल हैं, देखिए नगर हम कह रहे हैं यहाँ पे प्रमुख नगर, तो आज से 5000 वर्ष पूर्व हम ये कल्पना करना कि उस समय नगर हुआ करते थे, नगर समझते हो ना, कि गांव से अच्छी तरह से, गांव से भी अधिक विकसित जो शहर थे, शहर जैसे अगर हम अपने ही हिमाचल की बात कर रहे हैं तो हिमाचल में नगरीय व्यवस्था जो है, जैसे शिमला को भी हम शहर के बजाय नगर कहेंगे, धर्मशाला को नगर कहेंगे, मंडी को नगर कहेंगे, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था उस समय शामिल थी 5000 वर्ष पूर्व, तो अपने आप को अचंभित करता था। देखिए मोटे तौर पर जिनकी हम बात करने वाले हैं, हड़प्पा, ये पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, याद रखने वाली बात है कि कहाँ पे पाकिस्तान का जो पंजाब का जो हिस्सा है, देखिए भारत जब जो है या हिंदुस्तान जब दो पार्ट में या तीन हिस्सों में बंटा था, तो जो आपका पश्चिमी पंजाब था, जिसे आज पाकिस्तान, पंजाब नहीं, पश्चिमी जो पाकिस्तान है, जिसे आज पाकिस्तान ही कहा जाता है, वहाँ का जो पंजाब का आधा हिस्सा जो है वो चला गया था और आधा हिस्सा भारत के हिस्से में आया था, तो वहाँ भी पंजाब जो है वो एक पूरा राज्य पड़ता है, तो हड़प्पा वहाँ पर स्थित है। मोहजोड़ो ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, लरकाना याद रखना जिले का नाम है लरकाना जिला। तीसरा लोथल जो है ये भारतवर्ष में है, गुजरात में स्थित है। कालीबंगा ये राजस्थान भारतवर्ष में हनुमानगढ़ में जिले में स्थित है। बनावली ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश पूर्वी हिस्सा जो है, अगर हम बात करते हैं कि पूर्व की तरफ से सबसे सुदूर जो क्षेत्र है इस सभ्यता का, वो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश। चौहदड़ो ये पाकिस्तान में है, तो चौहदड़ो याद रखना तीन जगह, हड़प्पा, मोहजोड़ो और चौहदड़ो, ये तीनों ही जगह जो है पाकिस्तान में है। सुरकोटड़ा ये गुजरात के कच्छ जिले में है, तो ये कुछ याद आप रखेंगे। अब करते हैं एक एक नगर करके बारे में, सबसे पहले लेते हैं हड़प्पा, देखिए इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान से आप एक एक नगर के बारे में, स्थान कि कहाँ पे ये पड़ता है, मोंटी गुमरी जिला याद रखना, ये पाकिस्तान में मोंटी गुमरी जिला, पंजाब जो है राज्य है पाकिस्तान में, और ये जो हिमाचल से होकर रावी नदी जो चंबा से निकलती है, इस रावी नदी के पास ही निकट ही जो है ये शहर बसा हुआ था, हड़प्पा शहर। खोज 1921, देखिए सर्वप्रथम जो खोजा गया जो नगर था वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। तो 1921 में किसने की थी, दयाराम सहानी, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कब हुई 1921 में, कब की गई, किसके द्वारा की गई, दयाराम सहानी के द्वारा। हालांकि 1857 ईस्वी में हड़प्पा की जो पुरातात्विक साइट थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, क्योंकि उस समय लाहौर में जो है वो मुल्तान रेलवे का निर्माण जो है, लाहौर से मुल्तान रेलवे का निर्माण जो है शुरू हुआ था, तो इंजीनियरों ने जो वहाँ पर एक टीला बना हुआ था वहाँ से मिट्टी उठाना शुरू किया और वहीं से जो है ईंटें भी निकली, उस समय यह ध्यान नहीं दिया गया और वहाँ से ईंटें भी निकालते रहे, मिट्टियाँ भी निकालते रहे, और बाद में पता चला कि ये एक बहुत बड़ा प्राचीन शहर था। तो इस तरह से इसकी जो साइट थी वो बहुत जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो खंडहर जो थे उनको बहुत क्षतिग्रस्त जो किया गया, तो लेकिन बाद में जो मेसोपोटामिया के साथ फिर कि इसमें जो उदाहरण मिले हैं वो ये है कि ये हड़प्पा जो था वो एक शहरी था। अगर हम बात करते हैं, देखिए ये है
हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और यहाँ बात करते हैं ईंटों की, तो इस प्रकार से ये ईंटों का निर्माण जो है वो आप नज़र आता है कि जो ईंटें आज हम इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार की ईंटें जो आज से 5000 वर्ष पूर्व जो है इस्तेमाल की जाती थी। अब शहर ये एक तरह इमेजिनरी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें जो है दावा जो है वो पेश करता है कि इस तरह की एक दीवार हुआ करती थी इस शहर के चारों तरफ। मतलब अगर दीवार क्यों की जाती थी, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए। मतलब कहीं ना कहीं ये देखिए, जब भी कोई घर जो है बनता है, बड़ा होता चला जाता है, तो उसकी सुरक्षा में जो है वो कार्यवाहियाँ शुरू हो जाती है। घर में जो है कोई बड़े दरवाजे होंगे, दीवार लगाना शुरू हो जाएगी, क्यों, जो अंदर से संपत्ति है उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो धनी एक। तो इसी प्रकार से ये जो समय था ये धनी लोगों का था। तो आप देख सकते हैं एक किलाबंदी की गई है, अंदर शहर बसा है और सुनियोजित तरीके से बसा है। तो इस प्रकार से ये शहर जो बसा हुआ था, हड़प्पा संस्कृति और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसकी नगर योजना। बड़े तरीके से ये नगर बसा हुआ था, ऐसे ही नहीं जैसे कि गांव में हर कहीं जो है घर बन जाते हैं, वैसा नहीं। यहाँ पर जैसे चंडीगढ़ की अगर मैं बात करता हूँ, चंडीगढ़ की तर्ज पर ही ये शहर जो बसा हुआ था। सुमकुंड के ऊपर जो है वो सड़कें जो है कटती थी और जो नालियाँ थी उनको सुव्यवस्थित ढंग से जो है बनाया गया था, गंदा पानी शहर से निकाला जाता। तो इस प्रकार से ये शहर था। फिर आता दूसरा बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, वो पंजाब में था, ये सिंध प्रांत में लरकाना जिला, याद रखना लरकाना जिला। और खोज किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने 1922, एक साल के बाद हड़प्पा के बाद, एक साल के बाद 1922 इसमें राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया। अब आता है जी, मोहनजोदड़ो को किसी और नाम से भी जाना जाता है, याद रखना क्वेश्चंस। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई, इसको पुरातत्व विभाग से इसको खोजा गया, तो एक के बाद इसकी 7 परतें निकली, याद रखना है 7 परतों में ये शहर जो है वो निकला था। देखिए अगर ये आपका मोहनजोदड़ो, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो 7 परतों में, 7 परतें का मतलब हुआ कि ये शहर क्योंकि नदी घाटियों के आसपास, क्योंकि ये जो है था ये इंडस नदी के, तो नदियों में क्या होता कि बाढ़ें आती रहती थी, जिसका कारण क्या होता, बाढ़ आने पर ये शहर बर्बाद हो गया, फिर दूसरी बार बसा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, इस प्रकार ये 7 बार शहर उजड़ा भी और बसा भी। तो इसलिए इसको कहा जाता है मुर्दों का टीला, क्योंकि लोग हर बार मारे गए, तो इसलिए इसको मुर्दों का टीले के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ये जो शहर था 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और इस शहर की विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक जल कुंड मिला है, एक बहुत बड़ा जल कुंड, जहाँ पर माना जाता था कि लोग जो है वो विशेष पर्वों के या विशेष आयोजन में वहाँ पर इकट्ठे स्नान करते होंगे, जैसे आज भी किया जाता है बैसाखी के मौके पर। तो ये जो अंदर जो तालाब था, अंदर की तरफ जो अंदर तालाब जो पानी से भरा जाता था, वो लगभग जो है कितना था, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ये तालाब की स्थिति है, ये पूरा कुंड है बाहर से, बाहर वाला 180 जो है उसकी लंबाई है, 108 फुट जो है चौड़ा है, लेकिन अंदर जो तालाब जहाँ जो पानी जो भरा होता था उसकी लंबाई थी 39 फीट, चौड़ाई थी 23 फुट और 8 फुट ये गहरा हुआ करता था, ठीक है, 8 फुट गहरा हुआ करता, पानी से भरा होता था। इसके कुल मिलाकर जो मोहनजोदड़ो जो की जो पहचान है वो पक्की हुई ईंटें और ढकी हुई नालियों से की जाती है, और यहाँ के पानी की निकास जो व्यवस्था थी शहरों में जैसे होता था उसके लिए उसकी पहचान है। और एक और चीज़ है, देखिए ग्रेट स्नानाकार की तो बात हमने कर ली, दूसरा है नर्तकी की मूर्ति। देखिए ये केवल यहाँ से जो प्राप्त हुई है, खुदाई से प्राप्त हुई है, ये नालियों की व्यवस्था है, ये जो कांसे से ही बनी होती थी, तो ये इस प्रकार की मूर्ति उस समय बनना, देखिए आप कितने सुव्यवस्थित तरीके से हर एक चीज़, बाल है उसके, गहना पहना हुआ है, हाथों में कुछ पहना हुआ है, तो इतना एक देखिए बालों की व्यवस्था एक बनाया हो तरीके से जो है, तो ये जो व्यवस्था थी, ये इस तरह से कोई चीज़ पहनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं वो शिल्प में बहुत आगे थे। तो ये कहाँ व्यवस्था होती है, जहाँ पर बड़े नगर जो है स्थापित होते थे, ये मोहनजोदड़ो पड़ा हमने। तीसरा है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, इसकी खोज 1930 ईस्वी में एन जी मजूमदार ने की थी, और एक क्षेत्र जो है वो सिंध प्रांत में ही पड़ता है, लगभग मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर जो है वो स्थित है। अगर मैं बात करूँ तो इसके दक्षिण में जो है इस तरफ से ये चहुंदड़ो इस जगह के ऊपर स्थित है, और यहाँ 4000 से 1700 ईसा पूर्व में ये शहर जो है बसा हुआ माना जाता है। ये 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था और किसके लिए प्रसिद्ध था, ये मनके बनाने के लिए, देखिए मनके बनाने के लिए, बाट बनाने के लिए, शंख की कटाई करने के लिए, मोहर निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे कहीं ना कहीं एक औद्योगिक जो है विकास उस समय हो चुका था, क्योंकि उन चीज़ों की जरूरत। अब देखेंगे मनके बनाने के लिए किस विख्यात था, इस प्रकार के मनके वहाँ पर माला, मनके से मालाएँ बनाई जाती थी, उस प्रकार से ये चहुंदड़ो। अब आता है रंगपुर। रंगपुर जो है वो गुजरात, अगर आप भारतवर्ष में देखेंगे ये आपका गुजरात जो है वो पड़ता है, गुजरात के काठियावाड़ के प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप जो है वो रंगपुर पड़ता था। तो ये है आपका रंगपुर, ठीक है, स्थिति। इसकी जो खुदाई थी वो 1953 ईस्वी में और 54 ईस्वी में ए रंगराव के द्वारा की गई थी, इसकी खोज हुई, और यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले और रंगपुर से कच्ची इंटों के दुर्ग मिले, नालियाँ, मृदभांड मिले, बाट मिले हैं और पत्थर के फलक आदि जो है यहाँ से मिले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो यहाँ से मिली थी वो थी धान की फूसी, मतलब यहाँ पर चावल की खेती जो है, धान की खेती जो है की जाती थी। तो इस प्रकार से
देखिए ये चीज़ें जो है जब हम बताते हैं, अधिकतर जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी हमें जो खुदाई में मिली जो चीज़ें हैं उनके द्वारा ही अनुमानित की गई है, ना कि हमें कोई किताब मिली है अभी तक जो लिपि उसको पढ़ा नहीं गया, तो इसके लिए सारी चीज़ें जो है वो अनुमानित तरीके से इन चीज़ों को देख कर ही जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर धान की भूसी मिलने से पता चला कि लोग चावल भी उगाते थे, धान भी उगाते थे। मृदभांड की बात करें, मृदभांड हुए जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अब देखिए आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से हर तरह के जो बर्तन जो बनाए गए, हर तरह के बर्तन कोई किस फूलदान की तरह इस्तेमाल हो सकता, किन किन तरह के किस किस चीज़ का किस तरह के लिए इस्तेमाल किया, अनाज के लिए इस्तेमाल, आप देखेंगे इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता होगा। जैसे कि एक बहुत बड़ी चीज़ बनाई जिसके ऊपर सामान रखता, सजावट की चीज़ों को रखा जाता होगा, तो अलग अलग तरह के मृदभांड जो है वो मिले हैं। ये बाट जो है, आप हैरान होंगे कि हर जगह पर जो बाट है वो उसी अनुपात में मिले हैं। कहने का मतलब जैसे कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, 1 किलो का बाट है वो 1 किलो का बाट वहाँ दक्षिण में भी उतना ही है, और पूर्व में भी अगर आप किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, गुजरात चले जाएं, तो 1 किलो का वेट उतना ही होगा। और वो जो बाट है वो कोई सरकारी जो है जो इकाई है वो बनाती है। तो इसी प्रकार के उस समय भी जो जितने बाट मिले हैं उनके भार, उनका वजन और उनके जो अनुपात है वो बराबर के मिले हैं, जिसका पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो इसको बनाने वाले थे वो कोई एक जगह से ही ये चीज़ें बनकर आती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से धौलावीरा की बात कर लेते हैं। धौलावीरा जो है वो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में ये आप देखेंगे ये धौलावीरा है। अभी हमने रंगपुर की बात करी, ये धौलावीरा में। तो आज से 5000 साल पहले विश्व का ये जो नगर जो है वो ये वसा होगा, ऐसा अनुमानित जो है वो किया गया है। 1967 से 1968 ईस्वी में जो है JP जोशी के द्वारा इस नगर की खुदाई जो है की गई थी, और ये खुदाई जो थी 90 कानों तक ये चलती रही। पुरातत्व जो विभाग थे डॉक्टर RS बिस्ट ने इस जगह का जो खनन का कार्य जो है वो जारी रखा था। धौलावीरा का जो 100 हेक्टेयर में ये विस्तार जो है फैला हुआ था, बड़ा नगर था। धौलावीरा का जो निर्माण था वो चकोर और आयताकार पत्थरों से बना हुआ था, अगर आप देखेंगे, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होती उसी प्रकार से वो शहर जो उस समय बसे करते, तो आप देखेंगे ये जो पत्थर थे चकोर और बड़े पत्थर जो है से बनाकर ही ये जो शहर था वो बसा था। जो समी की खदानें, क्योंकि पत्थर नजदीक की खदानें होती थी वहाँ से मिलता था। एक और जो है चीज़ यहाँ से जो मिली है वह है साइन बोर्ड। देखेंगे आप साइन बोर्ड जो है, साइन बोर्ड क्या होता है, कहीं किसी शहर में अगर आप जाते हैं तो कोई गेट बना होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि जी आपका स्वागत, जैसे इंडिया गेट बना है, ठीक उसी प्रकार से जो साइन बोर्ड जो है इस प्रकार का जो है वो लिपि लिखी गई है साइन बोर्ड के द्वारा। और उसमें ये आज से 5000 वर्ष पूर्व जो इस प्रकार की जो है वो नगर के बाहर इस प्रकार का जो साइन बोर्ड बनाया जाना अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी व्यवस्था उस समय हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी की क्योंकि लिपि है उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी स्वागत के लिए लिखा गया है, उस जगह का नाम लिखा होगा, तो ये अनुमानित है सब कुछ, ये धौलावीरा है। फिर आता है लोथल। लोथल जो है इसकी जो स्थिति है वो अहमदाबाद, याद रखना है अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है, लोथल रंगपुर के समीप ये लोथल है। ठीक है, इसकी जो खोज की गई थी 1955 इसमें SR राव ने की थी, और सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई जो है 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 ईस्वी के मध्य जो है वो इसकी खुदाई हुई, और इसमें लगभग 2400 ईसा पूर्व के समय जो है ये शहर जो बसा ऐसा अनुमान लगाया गया। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा की तर्ज पर ही इसे जो है बसाया गया था। इसी तरह से एक बनावली शहर भी था जिसकी बाद में बात करेंगे, इसे भी हड़प्पा की तर्ज पर ही बसाया गया था। तो 3 शहर जो है वो याद रखना, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया और बनावली। यहाँ पर क्या विशेषता थी कि ये जो शहर था, देखिए यहाँ से गोदी भी मिली है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, गोदी का मतलब बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो किश्तियाँ, जहाज जो है वो जो समुद्री रास्ते से होकर जाती हैं वो वहाँ पर खड़े होते थे, जो किश्तियाँ बड़ी बड़ी किश्तियाँ बनने बनी थी वहाँ पर खड़े होने का तो बंदरगाह बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जो व्यापार था वो न केवल आंतरिक ही विकसित था बल्कि बाहरी व्यापार, अगर हम लोथल की बात करें तो यहाँ से, क्योंकि ये जो जगह है आपका ये नदियों के द्वारा जोड़ा गया क्षेत्र है, तो ये नदियों से होकर अंदर जो है वो ये बंदरगाह बनी हुई थी, और इस प्रकार से सुदूर अरब के देशों के साथ जो है उस समय जो है वो व्यापार हुआ करता था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ से मिला है, लोथल, याद रखना लोथल में गोदी मिली है। तो इस प्रकार से मोती जवाहरात कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देश, देखिए पश्चिमी देशों के साथ और अफ्रीका देशों के साथ जो व्यापार उस समय हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट है लोथल की। तो ये अगर इमेजनरी बनाया गया है, ये नदी बह रही है और नदी से काट कर ही अंदर की तरफ को जो है गोदी बनाई गई थी, ये नेचुरल नहीं है, लोगों के द्वारा बनाया गया निर्माण जो है वो किया गया था, और इस प्रकार से यहाँ से व्यापार जो है वो हुआ करता है। इस प्रकार से ये शहर जो है हड़प्पा की तरह इस पर बसाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चारों तरफ से इसके दीवार जो थी जैसे हड़प्पा में थी सुरक्षा के लिए। फिर आता है आलमगीरपुर। ठीक है, जो सुदूर पूर्व में जो पड़ता है, अगर आप देखें आलमगीरपुर, इससे इसके पूर्व की तरफ और कोई जो है वो जगह नहीं पड़ती, तो पूर्व में जो स्थित है वो आलमगीरपुर सबसे अंतिम है।
ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी पर जो है स्थित है, यह याद रखना, यमुना के सहायक नदी के ऊपर ये शहर जो बसा हुआ था। इसकी खोज जो है वो 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा जो है की गई थी। और इसमें जो है हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक जो पूर्वी स्थल जिसकी बात हम कर चुके हैं, यहाँ पर मिट्टी के जो बर्तन हैं, मनके हैं या पिंड हैं, यहाँ की गर्त से रोटी बेलने की जो चौकी, देखिए रोटी बेलने की चौकी जो आज बनती है ठीक उस प्रकार की चौकी वहाँ से मिली है, कटोरे के टुकड़े मिले हैं, किंतु यहाँ से मातृदेवी की मूर्ति और मुद्राएं नहीं मिली है, जिसका अभाव जो है वो आलमगीर से में नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब ये इतना विकसित शहर नहीं था उस समय। फिर आता है आठवां, आता हुआ था कालीबंगा। देखिए कालीबंगा जो है वो कहाँ पड़ा, राजस्थान में, तो कालीबंगा ये जगह है। कालीबंगा ये प्राचीन जो द्रवस्वती या सरस्वती के नाम से जो नदी थी, इस क्षेत्र में घगर नदी का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो है ये क्षेत्र जो है वो मिला है। इसे गंगानगर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो है वो माना जाता है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा का जो नगर है वो 4000 वर्ष पूर्व जो है प्राचीन जो है माना जाता है। यहाँ दुर्ग भी मिला, दुर्ग का मतलब किला, जो जितने भी नगर बसे हुए अधिकतर वो किलाबंदी उनकी की गई थी। इसकी जो खोज की गई थी वो 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने जो है की थी, याद रखना 1953 अमलानंद घोष। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हुए हैं जिसमें तांबे जो धातु से निर्मित जो औजार थे, हथियार थे, मूर्तियां थी वो मिली हैं। उसके अनुमान लगता है कि मानव जो है उस समय प्रशस्त था, युग था तांबर युग की तरफ जो प्रशस्त किया कर रहा था, मतलब तांबे की जो चीज़ें थी वो बनाना उसने शुरू कर दी थी। तो इस प्रकार से 4000 वर्ष पूर्व में इस प्रकार के जो है ये इस प्रकार के धातु के अवशेष मिलना मतलब प्रारंभ हो चुका था, तो इसमें याद रखना। फिर एक और चीज़ है जिसके लिए जाना जाता है कालीबंगा, नाम से ही पता जाता है, काली का मतलब काले और बंगा का मतलब चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियों के लिए जो है वो कालीबंगा जाना जाता है। काले रंग की चूड़ियाँ मतलब देखिए तांबे की चूड़ियाँ जो है जब बनाई गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो तांबा जो है वो काला पड़ने लगता है, उसके ऊपर परत जमती लगती है और इस प्रकार से काला लास्ट में ये काला हो जाता है, अगर साफ करेंगे फिर से तांबे का रंग नजर आएगा, तो इसलिए इसको काले रंग की चूड़ियों के नाम से जो जाना जाता है। क्लियर है? तो इसलिए याद रखना कौन सा शहर था, वो था कालीबंगा। तो इस प्रकार से ये इस व्यवस्थित ढंग से तरीके से ये बसा हुआ शहर था। काले रंग की चुड़िया की बात करते हैं, देखिए इसको जो है क्योंकि ये सफाई कर दी गई थी तो इसलिए तांबे की चुड़िया दर्शाई जा रही है, इसी ये ही चुड़िया जो है काले रंग की हुआ करती थी। इनकी जो है औजार जो है वो तांबे से बनाए जाते थे, कुल्हाड़ी जो है वो बनी है। तो आज आपने जो सीखा, जो मैं ये कहता हूँ अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर आदमी की अपनी पहचान होती है, कुछ देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर होते हैं, कुछ जो है वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जैसे भी हैं यदि आपकी पहचान आपका ज्ञान बन जाए जो मैंने पढ़ाया, करना क्या है, सिर्फ आप उसको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। जो नहीं समझ आए उसके पास और भी आपके पास माध्यम है, उन माध्यमों से ज्ञान लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आप कहीं भी बैठे लोग देखें कि अरे ये व्यक्ति तो कुछ खास है, तो ज्ञान की जो पहचान होती है ना वो पहचान ऐसी होती कि लोग हैरान रह जाते हैं। अभी आपने मुंह नहीं खोला, देखिए देखने में आप भद्दे लग रहे थे, लोग सोचते हैं कितना क्या कैसा क्या ऐसा है, नाटा सा है, मोटा सा है, देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लोगों के बीच में आपने बोलना शुरू किया आपका ज्ञान देख कर वो अचंभित हो गए। देखिए ये जो पहचान है, मान लीजिए ये पहचान क्या होती है, सोने पे सुहागा होती है। तो आप सोने पे सुहागा बने ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। आप हमेशा खुश रहें इसी आशा के साथ। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।